हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट टीवी का अगर रिमोट पड़ा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट टीवी का रिमोट है, और अगर आप चाहते हैं कि इस रिमोट से आप टीवी का जो रिमोट होता है उसको यूज करें, ठीक है, जैसे कि टीवी का रिमोट है, एलईडी टीवी का रिमोट है, या एलईडी टीवी का रिमोट नहीं, आपके पास किसी टीवी का रिमोट है या कोई सेटअप बॉक्स का रिमोट नहीं मिल रहा है आपके पास, तो उसके जगह इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। पैरिंग करेंगे, मतलब ये जो टीवी का रिमोट है इसको हम इंडिपेंडेंट वाले में कॉपी करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे टीवी का रिमोट है, इससे हम ऑन ऑफ़ करते हैं तो ये जो बटन है इसमें कॉपी हो जाएगा, ऑन ऑफ इसमें काम करेगा। जैसे कि इनपुट करते हैं ऑडियो वीडियो, या सोर्स का जो बटन होता है वो इसमें काम करेगा, ठीक है। इसे प्रेस करेंगे तो ऑडियो वीडियो होगा, ठीक है, HDMI होगा, ठीक है, जो भी करेंगे। आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये टीवी का रिमोट को बिल्कुल आप साइड में रख दीजिए, बस इससे ही काम होगा, और इसी से आपका सेटअप बॉक्स भी चलेगा, इसी से आपका टीवी भी चलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे कॉपी करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया है इसमें, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो इस पर अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं कैसे इस इंडिपेंडेंट टीवी का जो रिमोट है इसमें हम किसी दूसरे रिमोट को कैसे कॉपी करेंगे, वो एलईडी टीवी का हो, टीवी का हो, या स्मार्ट टीवी का हो, कूलर का हो, ठीक है। आजकल कूलर का आ रहा है, एसी का आ रहा है, जो भी आईआर वाले रिमोट हैं इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीवी का ही कर लो, आप एसी का कर सकते हो, कूलर का कर सकते हो, या होम थिएटर का कर सकते हो, किसी म्यूजिक सिस्टम का, या जो भी फ्रिज, जो भी आईआर से काम करता है रिमोट, जिसमें आईआर सेंसर लगे होते हैं, ये देखिए, उसको आप कॉपी कर सकते हो इसमें किसी भी बटन को। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑन ऑफ़ का है तो इसमें ऑन ऑफ़ ही करें, इसमें आप प्लस माइनस भी कर सकते हो आवाज़ को, चैनल बंद चालू कर सकते हो, मेन्यू का बटन भी प्रेस कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिपेंडेंट का जो रिमोट होगा आप इसे कहीं भी आपको मिलेगा कबाड़े में भी, तो आप इसे ख़रीदना पसंद करोगे, या आपके पास पड़ा होगा तो इसको वेस्ट होने नहीं दोगे, आप इसका यूज करोगे आप कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो जो टीवी का रिमोट होता है इसके पीछे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट टीवी का जो रिमोट है, ये रिमोट है, ठीक है, और इसमें देखेंगे ये कुछ बटन है टीवी कंट्रोल के लिए, जिससे कि आप अपने टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इनपुट कर सकते हैं, या HDMI जो भी करते हैं ना इनपुट वो कर सकते हैं, और इससे आवाज़ घटा और इससे बढ़ा सकते हैं। और ये मेरे पास LED टीवी का रिमोट है, तो मैं क्या काम करूँगा, जो मेरा टीवी है उसको जब भी मैं ऑन करता हूँ तो उसको इससे ऑन करना पड़ता है तब चलता है, ठीक है। और कई बार हमें आवाज़ कम करना होता है तो इससे हम आवाज़ कम करेंगे, इससे आवाज़ बढ़ाएंगे, तो ये हमें सेट करना है। तो पावर ऑफ का, और ये वॉल्यूम प्लस माइनस का, और इनपुट का जो बटन है ये मैं इसमें सेट करूंगा, और इस रिमोट को साइड में रख दूंगा अलमारी में, बस जब भी मैं टीवी चलाऊंगा इस रिमोट से ही चैनल भी कम ज़्यादा करूंगा, आवाज़ भी बढ़ाऊंगा, और टीवी का भी आवाज़ ज़्यादा या बंद चालू कर सकता हूं, और ऑडियो वीडियो भी कर सकता हूं। तो करने के लिए आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए दोनों रिमोट को सामने रखना है, और जो उंगली आप मेरा देख रहे हैं इतनी दूरी पर रखना है, ठीक है, इससे दूरी पर नहीं रखना है, बस इतना सटा के रखना है, 3 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है, इससे ज़्यादा दूर रखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सेट का बटन है, तो सेट का बटन प्रेस करेंगे तो जो LED हमारा हल्का हल्का ब्लिंक होता है, जैसे कि कोई सा बटन दबाएंगे तो हल्का हल्का ब्लिंक होता है, लेकिन जब सेट का बटन दबाएंगे तो काफ़ी तेज़ रोशनी और कंटिन्यू ब्लिंक होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ,
तो देखिए इसको मैंने दबाया है, तो देखिए ये एलईडी कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसको बताना है कि किस बटन को आपको कॉपी करना है, तो हमें ये जो ऑफ़ का बटन है इसको प्रेस करना है। अब दोस्तों तुरंत में इसको प्रेस करना है, अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे बंद हो गया तो अगली बार मैं आपको बता रहा हूँ, सेट का बटन दबाना है तो रोशनी थोड़ा सा तेज कंटिन्यू जलता रहेगा। उसके बाद जिस बटन को आपको सेट करना है पहले, तो मान लीजिए ऑफ़ का बटन का प्रेस करना है तो ऑफ़ को दबाएंगे और उसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे, फिर सेट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, आप नोट भी कर लें। सबसे पहले सेट का बटन दबाएंगे तुरंत से, फिर इसमें तेज़ रोशनी होगी, फिर उसके बाद जिस बटन को सेट करना है, मान लीजिए ऑफ़ का या टीवी, इनका जो भी बटन है इन चारों में से, उसको दबाएंगे, फिर उसके बाद इसको दबाएंगे, फिर उसके बाद सेट का बटन दबाएंगे। तो मैं इस बार जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि बताने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये फिर बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले सेट का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए एलईडी तेज़ रोशनी में हो गई। फिर उसके बाद लर्निंग वाला जो बटन है दबाएंगे हम, तो देखिए एलईडी ब्लिंक बंद चालू होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा पावर ऑफ का बटन है इसको प्रेस करेंगे, तो देखिए ये टिक 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 एलईडी हुई। उसके बाद सेट का बटन प्रेस कर देंगे, अभी हमारा सेट हो चुका है। अब जो ये बटन काम कर रहा है वही बटन ये काम करेगा। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, चलिए प्लस वाला जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं उसको मैं इसमें वॉल्यूम प्लस वाले में सेट करूँगा। तो इसका फिर वही प्रोसेस है दोस्तों, सेट का बटन दबाएंगे, दबाए रखेंगे 3 सेकेंड, 1 2 3, तो देखिए एलईडी तेज़ रोशनी में चल रहा है। फिर उसके बाद वॉल्यूम प्लस, वी प्लस लिखा है, इसको दबाएंगे एक बार, तो देखिए एलईडी ब्लिंक बंद चालू हो रहा है। फिर आपका जो टीवी का रिमोट है उसमें वॉल्यूम प्लस का बटन प्रेस करेंगे, करीब इतनी दूरी पर रख के, ठीक है, आमने सामने, तो देखिए ये हल्का सा ब्लिंक चालू हुआ, इसका मतलब कैच कर लिया। उसके बाद सेट का बटन प्रेस कर देंगे, एलईडी बंद हो गया, हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम माइनस का भी सेट कर लेते हैं, तो उसका भी यही प्रोसेस है दोस्तों, सेट का बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी तेज जलेगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी बंद चालू होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए बंद चालू। अब इसमें वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करेंगे टीवी वाले में, ये देखिए इतनी दूरी पर रख के करना है जैसे बताया आपको, देखिए ब्लिंक हुआ 1 2 3 बार। फिर उसके बाद सेट का बटन प्रेस कर देंगे, ये हमारा सेट हो गया। अब रही बात इनपुट का, जो लिखा हुआ है टीवी इनपुट, ठीक है, इसे भी करेंगे। जैसे जैसे कि इसमें इनपुट लिखा हुआ है, ये किसी में सोर्स लिखा होता है, किसी में ऑडियो वीडियो लिखा होता है, तो इसको भी हम सेट कर देंगे इसको। तो वही प्रोसेस फिर से दोहरा रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को स्किप ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो सेट का बटन मैं दबा रहा हूँ, तो एलईडी कंटिन्यू जलेगा तेज़ रोशनी में। फिर उसके बाद टीवी का बटन प्रेस करूँगा तो बंद चालू हो रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा ये 100 इनपुट का बटन है ये प्रेस करेंगे इतनी दूरी पर रख के, ठीक है, तो देखिए हल्का सा तेज़ रोशनी कम ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद सेट का बटन प्रेस कर देंगे, अभी हमारा कम्प्लीटली कॉपी हो चुका है। ये हमारा टीवी का रिमोट है, अब इसको अलमारी में आप रख सकते हैं और इसी से आप इसको चलाएंगे। तो चलिए मैं टीवी के पास लेकर चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो चलिए टीवी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा टीवी का रिमोट है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ये देखिए सेटअप बॉक्स के ऊपर साइड में रख दिया है। अब ये हमारे पास जो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट टीवी का जो रिमोट है, इससे मैं पहले टीवी को इनपुट का बटन प्रेस करके दिखाऊंगा। तो देखिए इसके टीवी के पास मैं करूंगा, तो देखिए इनपुट का बटन यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। खैर वापस आते हैं, अब इसमें वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए इंडिपेंडेंट वाला ही है, और इससे वॉल्यूम प्लस करता हूँ तो देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इससे देखिए वॉल्यूम घट रहा है, देखिए। और इससे मैं ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा हमारा टीवी, ये देखिए।
और इसी से हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो जाएगा अभी। तो इस तरह से आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।